मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना और रोजगार अधिकार अभियान और तमाम जन आंदोलनों से जुड़े हुए निखिल डे से हम मिल रहे हैं। निखिल जी लंबे समय तक सूचना के अधिकार के आंदोलन से जुड़े रहे और उसी लड़ाई के दौरान सूचना मांगने के दौरान एक ऐसा हादसा जिसे कहिए वो हुआ और 19 साल बाद उस मामले में अब जा कर के उन्हें 4 महीनों की सज़ा हुई। तो निखिल जी ये क्या पूरा मामला था? वैसे ये मामला सूचना के अधिकार के लड़ाई में एक नींव का पत्थर है, इसलिए है क्योंकि 1998 में पहली बार 96 और 97 के लंबे आंदोलन हुए थे, 40 दिन 53 दिन धरने आंदोलन, जिसकी वजह से सूचना का अधिकार मुद्दा बना और राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करके पंचायतों से सूचना लेने का अधिकार दिया नागरिकों को। पहली बार हुआ वो देश में और वो लेके हमने भीम और हमारे आसपास के इलाके में जनसुनवाइयाँ की, कई पंचायतों में सूचना मांगी और उन पंचायतों को चुना जहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत थी। ऐसा एक पंचायत हरमाड़ा था जहाँ के सरपंच थे प्यारे लाल जी टांग, तो हमने उनसे सूचना भी मांगी क्योंकि लोगों ने कहा इंदिरावास का पैसा नहीं मिला है, टॉयलेट का पैसा नहीं मिला है, रोजगार का पैसा नहीं मिला है, कई सारी शिकायतें थी, तो उनको दिया और 73 बार उसके एक एक आज तक हमारे पास उसका रिकॉर्ड है मांगते गए, कलेक्टर के ऑर्डर मिले, BDO के ऑर्डर मिले, नियम और अधिनियम की कॉपी थे वो दिए, गए BDO ऑफिस, गए कलेक्टर ऑफिस, गए बार बार और हमें अंत में कलेक्टर और BDO से चिट्ठी मिला कि आप जाके सरपंच से मिलो, हमने उनको पाबंद किया है कि वो सूचना आपको देंगे वरना हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम गए मिलने, हम उनके घर के अंदर नहीं गए, बाहर से ही हमारी तरफ आए, वो परेशान थे कि हम सूचना मांग रहे थे, परेशान क्यों थे सूचना मांग रहे वो आप समझ सकते हैं क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना चाह रहे थे सूचना, और वो और उनके भाई बंद हमारे ऊपर झपट पड़े और हमें धक्के दिए, गाली गलौज किया और धकेलते धकेलते कहा अगली बार मत आओ नहीं तो जान जान से मार देंगे। हम कोई सरपंच से लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे, हम सूचना लेना चाह रहे थे, तो इसीलिए हमने कलेक्टर, SP, चीफ सेक्रेटरी को फैक्स कर दिया उस समय, हमारे साथी लोगों को बता दिया और उन लोगों ने, हमने कहा कि हम पुलिस केस नहीं करना चाहते, हम सूचना लेना चाहते हैं। उन लोगों ने जब केस किया तब हमने भी पुलिस में हमारे पूरे बयान दिए, वो केस 2 दिन बाद लगा दोनों तरफ से, लेकिन मार खाई हमने और अब हमें बहुत अफसोस है कि सज़ा मिली है हमें 19 साल बाद। हमें ये कहना है कि आगे के कोर्ट में हमने अपील किया है और हमें उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा भय है, हमारे फिर भी पहुँच है, हम बात अपनी रख सकते हैं, हमारा बहुत विश्वास है इस पूरे ढांचे में कि न्याय मिलेगा, लेकिन बाकी बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट हैं, उन पर कभी आक्रमण होता है, कभी जान से मार देते हैं, बहुत लोगों पर फर्जी केसे लगे। मैं जानता हूँ बिहार में संजय सानी हैं, वो रांची में था और बिहार में उसके ऊपर अटेम्प्ट मर्डर केस लगा कि उसने ही किसी को मर्डर करने का, और वो सूचना के अधिकार और पारदर्शिता और जवाबदेही को लेके नरेगा में, राशन में, पूरे भ्रष्टाचार को रोकने के, करप्शन फ्री गांव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हजारों केस हैं इस देश में और ये एक बात है जो हमें सोचना पड़ेगा, आपको, हमें सबको मिलके, कि कैसे उन लोगों को जो नागरिक लड़ रहे कि उनके सामने कानून का दुरुपयोग नहीं हो, इस प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं हो, कानून है गलत लोगों को रोकने के लिए, सही लोगों को ताकत देने के लिए, ये आपको और हमें मिलके करना पड़ेगा कि कानून अपना सही काम कर पाए और लोग भी जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसको रोकने के लिए आगे आ सके। क्या इस प्रकार के की सज़ा होने से जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, RTI यूजर्स हैं, क्या उन एक्टिविस्टों पर, उनके मनोबल पर इसका कोई असर पड़ेगा? हम भरपूर प्रयास करेंगे कि नहीं पड़े, लेकिन ज़रूर ये सोचने के लिए बाध्य होंगे और वो भी कई जगह, हमने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन के मीटिंगें रखी हैं जहाँ लोगों ने आके कहा कि हमें कभी केस यहाँ लगाते हैं, कभी वहाँ लगाते हैं, बिल्कुल फर्जी लगाते हैं, अंत में वो प्रक्रिया ही इतनी बड़ी सजा है क्योंकि जाना पड़ता है बार बार कोर्ट,
तो ये एक सोचना पड़ेगा इस पूरे समाज को, हम सब लोगों को, कानून को चलाने वाले, कानून में पूरी तरीके से विश्वास रखने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये बहुत बहादुरी से लोग कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, संविधान के को और ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हैं। उनके साथ यदि कानून का दुरुपयोग हो तो उनको सहायता कहाँ से मिले? हमारे तो बहुत दोस्त हैं जो सहायता दे रहे हैं, उनको सहायता कहाँ से मिलेगी ताकि वो इसका सामना कर सके और कानून को अपना सही काम के लिए उस दिशा में बढ़ सके। क्या इस फैसले को नज़ीर बना करके जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का जो एक पूरा मूवमेंट है उस तरफ भी कुछ चीज़ें जाएंगी क्या? हम ज़रूर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मूवमेंट का मैं एक हिस्सा हूँ और ये मेरे ख्याल में एक विडंबना है कि तीन लोग फर्जी गवाह दे के किसी को भी फंसा सकते हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ख़ास तौर पर जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है कि वो अपनी बात जो पूरी दुनिया जानती है रख सकें। ये मेरे ख्याल में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक सवाल कि अंत में जुडिशरी है उन गरीब लोगों को बचाने के लिए, वो जो लोग दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको और बाध्य करने के लिए कि वो ये नहीं करें। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में के ऊपर एक सवाल है, लेकिन ये गंभीर सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल, और इसका कहाँ से रास्ता निकलेगा ये ढूंढना पड़ेगा। हमें तो उम्मीद है कि जल्दी ही हमें अपील के प्रक्रिया में से छुटकारा मिले ताकि एक मैसेज तो मिलेगा कि हाँ ये कानून अंत में तो सही पहचानता है और वहाँ हमें न्याय मिलेगी। लेकिन मुझे फिर से उन्हीं लोगों के लिए चिंता है जो जिनके खिलाफ कानून का दुरुपयोग किया जाता है और उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं है, वो कहीं थक नहीं जाए। तो हम सब लोगों को, आपको, हमें मिलके उनकी मदद करनी पड़ेगी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि सूचना के अधिकार की वजह से ही इतना बड़ा एक रिएक्शन हुआ, लोगों ने अपनी जान गवाई फिर भी नहीं रुके, उनके ऊपर धमकियां आई फिर भी नहीं रुके। सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही, हमने तो ये माना है कि बाधे बहुत आएंगे रास्ते में, हम रुकेंगे नहीं, तो हम कम से कम दूसरे लोग इससे कहीं इससे उनको वो चुप नहीं हो जाए, रुक नहीं जाए। हम कहना चाहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे, जोश के साथ अपने मुहिम में आगे बढ़ेंगे, आप भी चलें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत सारे लोग जान तक गंवा बैठे हैं और उसके मुकाबले में अगर ये देखें तो ये बहुत छोटी सी सजा है जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो RTI के लिए लड़ रहे हैं लोग, पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं? कहेंगे कि जिन्होंने जान गंवाई उसकी देखें, उनकी देखें कुर्बानी। दूसरा कहेंगे कि इसमें क्या है, थका देते हैं। 18 साल 19 साल चले फिर आप अपील में जाएं, थका दें, अंत में न्याय मिलेगा लेकिन न्याय मिलते मिलते थका देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये भी सुधारना हमारा काम कि जल्दी से न्याय मिले, तुरंत मिले, वहाँ मिले, वहाँ जाके आप आज पूछ लो तो पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, ऐसे रास्ते खोजें ताकि सच्चाई बिल्कुल आए। और ये जो सीख गए हैं कानून का दुरुपयोग करना, उनके खिलाफ भी करना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा है। धन्यवाद बहुत बहुत।